सो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सब सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो कैसे हो आप सभी? एंड देन मैं ये लाइब्रेरी में हूँ आज ऑलरेडी, और मैं अपनी बुक ढूंढ रही थी, क्योंकि जहाँ मैं रख के जाती हूँ ना अपनी रूम में, वो मेरे को बुक नहीं मिल रही थी। अब मैं आ गई हूँ अपनी सीट पर, ये थी मेरी सीट। सो आज मेरे पैर है ना दर्द कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि कैसे क्लास लूँ, क्या लूँ, और आज ठंड भी थी थोड़ी सी, तो आज मैंने जैकेट पहन रखी है। सो आप सबके जो टेलीग्राम पर क्वेश्चन आते हैं ना, आज सबके जवाब मैं देने वाली हूँ, और थोड़ी वीडियो मेरी है ना थोड़ी रिलेटेड रहेगी समझाने के प्रति। तो देखते रहना आगे क्या चलता है क्या नहीं चलता। तो जो मेरी डायरी थी वो नोट्स की है, जो इसमें मैं लिखती रहती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ लिया और आगे घर जाकर मेरे को क्या पढ़ना है, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, तो ऐसा सब चलता रहता है। सो आप सबके क्वेश्चन थे कि मैथ में क्या चल रहा है। अभी फ़िलहाल मेरी दोस्त थी जो कि पानी भर के आई थी, और ये मेरा चल रहा था। आज मैं पढ़ने वाली थी सबसे पहले स्टैटिक जीके करने वाली हूँ, और आप आज मैंने ना स्टैटिक जीके के नोट्स नहीं डाले टेलीग्राम में, और मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी अभी रात तक, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आए हैं। सो मैंने अभी डाउनलोड नहीं किए थे बैच से, तो मैं बैच से डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप पूछते हो कि स्टैटिक जीके याद नहीं हो रहा क्या करें, सबसे बड़ी चीज़ स्टैटिक जीके में जो एक ही क्लास होती है ना, एक ही टॉपिक, उसी में 7-8 पेजेस होते हैं, और वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसे है ना हाफ पार्टीशंस कर लो, कि 3 पेज मेरे को आज करने और 3 पेज मेरे को शाम को करने, तो ऐसे कुछ याद कर लो। और ये मेरी रफ नोटबुक थी जिसमें आज मैं मैथ पढ़ने वाली थी अभी, और उसमें लिखा था राधे 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 राधे, तो सारी राधे राधे लिख देना। पता नहीं मेरे को राधे लिखने का कितना शौक है, तो मैं जब है ना फ्री रहती हूँ, मेरा माइंड ऑफ रहता है, तो मैं राधे राधे नोटबुक में रफ में करने लग जाती हूँ, तो वही मेरा राधे राधे था। सो अभी मैथ मैंने पढ़ लिया था, थर्ड क्लास चलती है मेरी पॉलिटी, एंड देन मैं पॉलिटी पढ़ने वाली थी। और पता नहीं क्या है यार, आज है ना थोड़ा माइंड अपसेट था, और आज फास्ट भी रहते हैं कौन कौन बच्चों के लिए, जो ओही अष्टमी है उसका फास्ट रहता है, तो आज मेरे को घर भी जल्दी जाना था, और क्योंकि मम्मी ने बुलाया था, और फास्ट है तो काम वाम चलता रहता है ना, तो उस चक्कर में किस किस के यहाँ फास्ट रखते हैं, जो जो मेरा ब्लॉग दिख रहा है बताना। सो ये मेरी पॉलिटी की क्लास चल रही थी, और मैं रेगुलर याद कर रही थी, और जो मेरा पुराना था और नया था सब कुछ याद कर रही थी। आपके क्वेश्चंस रहते हैं मैथ को लेकर, कि मैथ कैसे याद करें, है ना, मैथ का रिवीजन कैसे करें, मैथ के है ना टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रैक्टिस सेट करनी है और क्या करना है, आपके कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आप पहले तो 30 तक टेबल याद कर लो, 30 तक स्क्वायर रूट से याद कर लो, 30 तक क्यूब रूट से याद कर लो, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। और ये मेरी फ्रेंड है जो कि पास्ता लेके आई थी, पास्ता मैक्रोनी कम्बाइंड था, तो वही हम खाने वाले थे, उसी का खाना मैं खा जाती हूँ, मैं तो लाती नहीं, और कभी कभी कम ही लाती हूँ, देन वो हम दोनों पास्ता खा रहे थे। आज क्या है ना लाइब्रेरी में बच्चे भी बहुत कम आए थे, बहुत ज़्यादा कम थे, और बहुत शांत थी लाइब्रेरी। सो हम वही खाने वाले थे, और खाना पीना खा खू के ख़त्म करके थोड़ी बातें की हम दोनों ने, एंड देन चलते हैं अपनी 4th एंड 5th क्लास पे। तो आज थोड़ी क्लासेस कम रहेंगी, सो चलते हैं अब इंग्लिश की क्लास पर। तो आज अब मैं इंग्लिश लेने वाली थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश कर लेती हूँ, आज मैं लास्ट में इंग्लिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में स्टैटिक जीके ले ली थी। तो कौन कौन इंग्लिश कर रहा है, और किसको इसको फ्री क्लासेस चाहिए इंग्लिश की, जो कि प्रॉपर क्लासेस हों, ऐसा नहीं बीच बीच में से नहीं, प्रॉपर क्लासेस हों। और अगर इंग्लिश नहीं समझ आ रही, तो ऐसा करना पहले एक लेक्चर यूट्यूब से लेना, एंड देन एक बुक ले लो नीतू मैम की, और उसी लेक्चर को फिर अपने आप ही है ना उसमें याद देखना, जो कि नीतू मैम वाली बुक है, या आपका कोई भी बुक है उसमें से आप है ना उसी चैप्टर को दोबारा रिविजन करना, देखना आपको कितना ईजी हो जाएगा ये समझना। एक बार मेरे कहने से करना, जो जो इंग्लिश कर रहा है तो उसे समझ आ जाएगी। तो मैं चलती हूँ बुक ऐप पर, जिसमें मैं करने वाली थी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, तो सब कुछ मैं करने वाली हूँ, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि यार नहीं हो पाता सब चीज़ घर पे भी बहुत सारी क्लासेस रह जाती हैं, तो मैं वो घर पे कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल इंग्लिश कर रही थी, एंड मैंने स्टैटिक जी के ले ही ली थी, मैथ ले ही ली थी, पॉलिटी मैंने ले ही ली थी, तो भी मैंने बहुत क्लासेस ले ली थी जल्दी जाने के बाद भी, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर लिया था, और टाइम में थोड़ा सा टाइम लगा लेती हूँ, तो बहुत टाइम हो गया था मेरे को इंग्लिश की क्लास लेते लेते, और मैं परेशान भी हो गई थी। और क्या था ना, इस लाइब्रेरी में बच्चे इसलिए कम थे, पता नहीं क्यों इस लाइब्रेरी में ना जो हम में पढ़ते हैं उसमें बच्चे कम होते जा रहे हैं। अब क्या रीजन है इसका तो मुझे तो नहीं पता, डेली एक बच्चा कम हो जाता है, बहुत कम बच्चे रह गए, तो यहाँ हमने पानी पिया रेस्ट लिया 15 मिनट का, एंड देन अब स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का पोर्शन, जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, एंड देन मैथ के कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो रीजनिंग का प्रैक्टिस आज मैंने 20 नंबर का लगाया था, जो कि आप पूछते हो मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, तो मैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मैं फुल मॉक टेस्ट नहीं दे रही। तो मैंने जो रीजनिंग का 20 नंबर का दिया था, उसमें से आज मेरे 16 नंबर आए थे, और 16 नंबर आए थे, क्योंकि थोड़े आज मेरे कम रह गए, क्योंकि इतने कम नहीं रहते, क्योंकि मैं कुछ जल्दबाजी में भी थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं घर चली जाऊं और फिर रह जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी दिया था, 16 नंबर आए थे, और जो जो नहीं आया था थोड़ा से क्वेश्चन, तो रह गया था, ये मेरे लग गई थी हाथ में, आज बहुत दर्द भी हुआ था,
तो पता नहीं किससे लग गई थी, पर लग गई थी बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, जब जो मेरी वॉच है ना उसकी जो वॉच की लड़ी सी लग रही थी ना, तब मेरे को समझ आ रहा था कि मेरी रिस्ट में लग गई है। तो फिर मैंने थोड़ी देर मैथ कर लिया था, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और जो चैप्टर पढ़ रही हूँ ना उसी के प्रैक्टिस सेट लगा रही थी मैं, तो वो किया। तो और दूसरी चीज़ की आप टेलीग्राम पे जो कमेंट करते हो यार, मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ क्योंकि आप सब इतने सारे कमेंट्स कर देते हो। मैं स्टैटिक जीके के अपने आप ही डेली बाई डेली प्रोवाइड करवा दिया करूँगी, एंड मैं क्वेश्चन किसी के नहीं बता पाती, सो सॉरी। और आज मैं लाइव नहीं आ पाई है ना, क्योंकि बिजी थी थोड़ी, और आज फास्ट भी था इस वजह से। सो किस इसकी मम्मी कहाँ कहाँ से है, और कौन कौन फास्ट रहता है इसको बताना, और कौन कौन मेरी कहाँ से ब्लॉग देख रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो वो भी बता देना है ना। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो आपको नेगेटिव कमेंट करने कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट वालों को पढ़ने वाला होना चाहिए, जो कि मैं पढ़ती नहीं। सो आपका टाइम वेस्ट ही होता है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा किया करो। आपको अगर ऑनेस्ट रिव्यू दिया करो, आपको अच्छी लगी वीडियो तो अच्छा बोला करो, अगर बेकार लगी तो बेकार बोला करो, अगर इसके अलावा कुछ जानना है तो वो भी बोल दिया करो, ठीक है। सो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है, बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आते हैं, ऐसा नहीं मेरे पर नेगेटिव कमेंट आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। और चलते हैं अब ये कि जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया, इंस्टा फॉलो नहीं किया, सो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, जिस पर स्टैटिक जीके के नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। और आज मैं बहुत थकी हुई थी, आपको पता है कि वायरल चल रहा है, बीमारी फैल रही है कि पैर दर्द है, हाथ दर्द है, पता नहीं चिकनगुनिया वाली बीमारी जो फिर से आ रही है। सो अभी चलते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय।